हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। जैसा कि आप सब लोगों ने एग्ज़ाम दिया ही है, IBPS RRB क्लर्क के जो हैं एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम लेवल जो है प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस बार कैसा था, कट ऑफ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं और आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एग्ज़ाम का लेवल इस बार कैसा था। अगर इस बार के एग्ज़ाम लेवल की बात की जाए, तो एग्ज़ाम लेवल जो है प्रीवियस ईयर के मुकाबले थोड़ा सा जो है अप किया गया था। यहाँ पर जो है रीजनिंग का सेक्शन जो है इसके अंदर 35+ इजीली अटेम्प्ट किए जा रहे थे कैंडिडेट के द्वारा, लेकिन जैसे ही मैथ का सेक्शन आता था तो मैथ के सेक्शन में 25+ या फिर 30 तक ही कैंडिडेट जा पाए हैं। यानी कि मैथ जो है कैलकुलेटिव था, अर्थमेटिक जो है काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव आ गया था इस बार, इसलिए जो कैंडिडेट के अटेम्प्ट्स हैं वो 65 से लेकर 75 के बीच में ही अटेम्प्ट जो हैं रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आपका जो एग्ज़ाम लेवल है, जैसे प्रीवियस ईयर की अगर बात करते हैं, तो बहुत से कैंडिडेटों ने 80 अटेम्प्ट कर दिए थे, और वो भी विद हाई एक्यूरेसी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अर्थमेटिक और मैथ के जो आपकी DI आई थी, मैथमेटिक्स की जो आपकी DI आई थी, अर्थमेटिक आया था, वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था, उसके अंदर टाइम लग रहा था जमा घटा गुणा करने में। तो इस वजह से जो आपकी कट ऑफ है इस बार थोड़ी सी पिछली बार के हिसाब से कम जा सकती है। वहीं मैं इसमें अब आपको कट ऑफ दिखाने वाला हूँ। मैं सिर्फ UR की कट ऑफ दिखाऊंगा, उसके अंदर आप +-3 कर लीजिएगा, और कैटेगरी के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग 2-3 मार्क्स कम कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं गाइडले के द्वारा ये जारी की गई है कट ऑफ। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है UR के लिए, इसके अंदर आप +-3 कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, इस बार जो वैकेंसी हैं पिछली बार के मुकाबले कम हैं, तो उससे भी कट ऑफ पर आपका इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम लेवल से कंपेयर किया जाए, तो आपकी जो कट ऑफ है वो उतनी ही जितनी पिछली बार गई, या फिर थोड़ी सी कम जानी चाहिए 1-2 नंबर। तो आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ तो 69, अरुणाचल प्रदेश में 70, और असम में आपका 69, बिहार में 68, छत्तीसगढ़ में आपका 70 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। गुजरात के अंदर 72, हरियाणा में 69, हिमाचल में 69, जम्मू कश्मीर में आपका 70, और कर्नाटक में 68, केरल में 73, मध्य प्रदेश में 70, महाराष्ट्र में आपका 69, मणिपुर में 69, मेघालय में 69, मिजोरम में 68, और नागालैंड के अंदर आपका 70, उड़ीसा में 71, पांडुचेरी में 72, पंजाब में आपका 72, और राजस्थान में 73, तमिलनाडु में 65, तेलंगाना में 67, त्रिपुरा में आपका 71, और सबसे जो फेवरेट जोन रहता है उत्तर प्रदेश, जहाँ की वैकेंसी जो है सबसे ज़्यादा रहती हैं, वहाँ पर 72, उत्तराखंड के अंदर 72, और वेस्ट बंगाल के अंदर 67। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर आप SC ST का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये UR का मैंने बताया था, OBC के SC की और ST की आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो OBC के लिए इसके अंदर आप OBC की अगर आप कट ऑफ पता निकालना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप -3 कर दीजिएगा। अगर SC की कट ऑफ निकालना चाहते हैं, तो -4 या फिर -5 कर सकते हैं, और ST की अगर कट ऑफ निकालना चाहते हैं आप इसके अकॉर्डिंग, तो -4 या 5 इसके अंदर भी आप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो हो ये एक्यूरेट ही हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि UR OBC की जो कट ऑफ है वो इक्वली चली जाती है किसी किसी स्टेट में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसके लमसम अगर आपकी
अटेम्प्ट हैं, आपके अटेम्प्ट हैं और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप मेंस की तैयारी में जो है लग जाइए, क्योंकि मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और अब आपका 20 तारीख से, 20 और 21 तारीख को आपका आरआरबी पीओ का भी एग्ज़ाम है, तो उसको भी आपको प्रिपेयर करना है। तो मेंस की तैयारी आप दोनों के साथ लेके चलिए, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।